जय माता दी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, कल दिल्ली बाजार ने 84 के साथ खेल शुरू किया, फरीदाबाद में 33 का जोड़ा खुला, गाजियाबाद 87, गली में 11 और देशावर में 21 खुली है। मैंने जो आपको अंक गणित बताया था उसके हिसाब से कोई भी जोड़ी ज़्यादा खास काम करके गई नहीं है। इक्के पर विश्वास था, लेकिन फरीदाबाद में इक्का रखा, गली में खुला और दिशावर में इक्का, खुद पास हुआ है। उम्मीद थी कि कंपनी यहां पर 1964 वाली जोड़ियां ट्राई कर सकती है, क्योंकि जब कभी आपको 1694 वाली गेम दिखे तो उसमें से एक दो बार और गेम आती है, जैसे गली ने 64 खोला और दिशावर ने 46 खोल दिया। उसके बाद उस लोकेशन का, उस जोड़ी का आपस में मिलना तैसा हो जाता है, लेकिन कल वैसा कुछ दिखा नहीं। और अगर बात करें 1694 वाली क्रॉसिंग के अंकों की, तो 11 उसमें से आ सकती है अगर 64 के ऊपर बात करी जाए। मैंने जो कुछ बढ़िया था आपके साथ साझा किया, आज का अंक गणित क्या कुछ रह सकता है उस पर एक बढ़िया चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ अच्छा समझने की, कुछ अच्छा निकालने की जो कि पासिंग में तब्दील हो सके। पूरा प्रयास रहेगा आपके लिए एक बेहतरीन अंक गणित पेश करने का। तो शुरुआत करते हैं विद लोकेशन खेल की, दिल्ली बाजार के साथ। दिल्ली बाजार में 84 के ऊपर क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? 7 दिन पहले, जब ये कल जोड़ी खुली थी, तो एग्जैक्ट 7 दिन पहले दिशावर ने इस जोड़ी का इस्तेमाल किया था 84। कल दिल्ली बाजार ने 7 दिन बाद इस जोड़ी का इस्तेमाल किया। 84 के ऊपर आपका जो सबसे बढ़िया खेल बन सकता है वो बन सकता है 54 का और 04 का। 54 यहाँ पर मेरा फेवरेट है, क्योंकि 54 यहाँ पर खुला है इसलिए। 8 के बाद पंजा और 0 खुलने के चांस बन रहे हैं, बहुत अच्छे समीकरण हैं। मैं हमेशा इस बात को इसलिए कहता हूं कि जब भी आप गेम को आजमाएं, उससे पहले ये समझ लें कि समीकरण में मजबूती है या नहीं है। समीकरण किसी भी चीज के मजबूत बन सकते हैं और फेल हो सकते हैं। समीकरण किसी भी चीज के ना होकर भी रिजल्ट में तब्दील हो सकते हैं। दोनों ही चीजें मुमकिन होती हैं, लेकिन जब भी आप कोई काम करते हो तो थोड़ा सा उसमें जांच पड़ताल करते होंगे, थोड़ा सा उसमें जानकारी निकालते होंगे कि भाई मुझे ये वाला काम करना है तो क्या ये सफल हो पाएगा, क्या ये इस प्रयास से इस तरीके से काम कर सकता है। तो इन सब चीजों का जब आपस में जोड़ बनता है, तब आप उसे समीकरण कहकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। किस्मत की बात है कि भैया यहाँ पर इक्का दिया है, यहाँ खुल गया, यहाँ तो इक्का खुला ही है, यहाँ तिग्गी दी हुई है, यहाँ पर खुल गई, वरना अंक भी पास हो सकते थे। जो जोड़ियाँ निकाली थी वो भी जोड़ियाँ आपकी कट गई, चांस तो बहुत बढ़िया बन रहे थे, लेकिन किस्मत की बात है। अब किस्मत रोजाना 5-5 जोड़ियाँ पास करवा दे ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि सभी को बराबर मिलना होता है, सबको सबके नसीब का पहुंचना होता है। कैसे पहुंचेगा, कौन से सोर्स द्वारा पहुंचेगा, ये भगवान तय करते हैं, ये प्रकृति तय करती है। अब यहाँ से बढ़ते हैं फरीदाबाद की तरफ। फरीदाबाद में 33 के ऊपर कोई खास खेल है नहीं, एक सिंपल सी ट्रिक है 38 खुलने वाली और 39 खुलने वाली। तिग्गी का चांस यहाँ पर बढ़िया बन रहा है, अगर समझ में आता हो तो इस्तेमाल कर लेना। दो ही जोड़ियों में बढ़िया खेल निकाल दिया है, बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगा कि भैया ये दो जोड़ियों में सफल हो जाएगा या ये दो जोड़ियों में फेल होने के पूरे चांस रहेंगे। अच्छे चांस हैं, बढ़िया जोड़ियाँ निकल रही हैं, ऐसा ही खेल नीचे खुलने के समीकरण बन रहे हैं और ऐसा ही खेल पिछले कई दिनों से खुल रहा है कि 11 के बाद 33 खुल जाती है, 11 के बाद 31 खुल रही है। तो ये जो समीकरण है यही आपको खेल में रखते हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद में जोड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, अंक बहुत मेहनत से निकाला है कि भैया 87 के ऊपर सबसे पहला अंक तो बनेगा ट्रिक जोड़ी का 89। 87 खुलने के बाद ही 8998 का खेल तय हो जाता है। दिल्ली बाजार ने लगातार 2 दिन 87 खोली, उसका एक दिन गैप लिया 3 तारीख का और शायद 4 तारीख को फरीदाबाद ने या फिर गाजियाबाद ने 98 का खेल उठा लिया था। ऐसे ही जोड़ियां उठती हैं, बस हम क्या करते हैं,
हमें चाहिए अगले दिन जोड़ी, हमें चाहिए जो खेल निकला है उससे खेल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 दिन बासी खेल रखूँगा ना तो कोई भी वीडियो देखना पसंद नहीं करेगा। सबको चाहिए कि भैया क्विक रिजल्ट बताओ क्या निकल सकता है, क्विक बताओ हमें क्या बढ़िया रहेगा हमारे लिए। और उसी में कई बार गलती भी हो जाती है और कई बार से ज़्यादा बार गलतियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो अच्छा खेल है वो 89 का है, उसमें 39 बहुत बढ़िया बन रही है और उसमें आपका 7/9 बहुत बढ़िया बन रही है। अगर आपकी समझ में ये खेल आता हो तो आप इस खेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 का अंक मुझे लगता है कि यहाँ पर काम करके दे सकता है, आप विश्वास दिखा सकते हैं इन जोड़ियों पर और इस अंक पर। अच्छे चांस हैं, एक बार नज़र मारी जा सकती है, एक बार आजमाया जा सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भैया जो भी मेरे साथ जुड़ा है अगर वो नियम पूर्वक मुझे सुनता है, समय समय पर बात को अच्छे से तोल मोल कर चलता है, तो उसको नुकसान तो होगा नहीं, मैं जितना समझता हूँ खेल को। अगर कोई आज फेल वाले दिन बहुत मोटा खेल खेल लेता है और जब कल गेम पास होगा तो 20x खेलेगा तो वो उसकी सरदर्दी है, क्योंकि आप एक पैमाने पे चलो, आपको 20x खेलना है 20x खेलते रहो, आपका नुकसान ही नहीं होगा। जब आपको लगे कि मजबूत है तो 30x कर दो, 40x कर दो। एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि सभी का अपना अपना लालच है, सभी की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि भैया सबके अपने अपने काम धंधे हैं, सबके अपने अपने घर परिवार हैं, किसको कितना चाहिए ये तो वही जानता है जो इस खेल में अपनी किस्मत आजमा रहा है। अब यहाँ से बढ़ते हैं गली की तरफ। गली में 11 के ऊपर क्या कुछ बेहतरीन है? तो भैया देखो, 11 के ऊपर मैंने बताया था ना कि भैया 11 के बाद 33 खुल जा रही है, 33 के बाद आपका जो भी जोड़ी बताई थी 38 वगैरह की, 11 के बाद 13-31 के चांस बहुत बढ़िया बनते हैं। तो वही मैं यहाँ पर जोड़ियाँ रखना भी चाहता हूँ कि 11 के बाद 33, 11 के बाद तारीख का 31, 13 के रूप में 31 हो सकता है और साथ में 11 से 61 होने के चांस हैं। इस लोकेशन में 1 और तिग्गी बहुत ही मजबूत बन रहे हैं, अच्छे चांस हैं। 1 के बाद तिग्गी खुलने की जो प्रथा कंपनी ने इस समय चला रखी है उसी को ध्यान में रखकर आपके लिए ये खेल निकाला है। आपको देखना है, आपको समझना है, आपको इस्तेमाल करना है। मैंने जो बढ़िया है वो आपके साथ साझा किया है, मैंने जो अच्छा हो सकता है वो आपको बताया है। तो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, उसके बाद खेल इस्तेमाल करने का विचार बनाइए। और विचार जब बने तो कुमार भाई का इस्तेमाल कीजिए, इनके पास अपना खेल लिखवाइए। मेरी जिम्मेदारी मेरे विश्वास पर, ये सभी का भुगतान समय पर करते हैं, ये सभी का काम समय पर ओके कर देते हैं, ये बहुत अच्छे व्यवहार के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग इनके साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इनका काम पसंद आता हो तो इनके साथ जुड़े और भी लोगों को जुड़वाएं, धन्यवाद। अब यहाँ से बढ़ते हैं अपनी आज की आखिरी लोकेशन, जिस पर कि मैं काफ़ी मेहनत करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दिशावर में ज़्यादा से ज़्यादा गेम पास हो इस महीने। कोशिश पूरी रहेगी कि भैया कुंडू बाबा परिवार इस महीने दिशावर में बहुत बढ़िया पासिंग ले। बाकी जगहों पर भी मेहनत लगी हुई है, बाकी जगहों पर भी बढ़िया से जोर मारा हुआ है और रिजल्ट में तब्दील भी हुई हैं चीज़ें, लेकिन दिशावर में थोड़ा सा कुछ खास इस महीने करना चाहता हूँ। देखो, दिशावर में अगर 1 दोबारा खुला, जैसा कि हमारा कल पास रहा है सुबह, 1 हमने रखा हुआ था कि भैया 1 खुल सकता है, 41-91 का 1-21 का खुला था, आज भी 1 मजबूत है 51 के साथ और 31 के साथ। देखो, ये 31 की जोड़ी रिपीट की जोड़ी है, इस बात से आप गुरेज मत करना, क्योंकि रिपीट का अंक, रिपीट की जोड़ी बहुत मजबूत होती है अगर तुक्के में फंस जाए तो। और ये जो सारा खेल है ना, ये तुक्के पर आधारित है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जोड़ी के बाद ये जोड़ी खुलेगी, लेकिन कंपनी वो जोड़ी नहीं खोलती। कई बार ऐसा लगता है कि ये वाली रिपीट जोड़ी आपको और रिपीट जोड़ी लाके दे सकती है, लेकिन कंपनी रिपीट नहीं खोलती। तो दोस्तों, ये तुक्के का खेल है, सही टाइम पे सही बैठ जाए तो मौज करवा देता है, वरना बहुत कुछ ले जाता है। जब जिद बहस में लग जाते हैं ना हम कि नहीं यार ये जोड़ी खुलने वाली है, मैं और खेलूंगा और खेलूंगा, वो खुलेगी नहीं। जैसे ही आप छोड़ोगे वैसे ही आपको दिख जाएगी, अब यार ये तो सब कुछ लेकर अब आई है। तो इसलिए जिद बहस ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ खेल को समझकर उस पर अपना लागत लगाई जाए, उस पर अपना दिमाग लगाया जाए कि हाँ भाई इसमें इतना दिमाग इन्वेस्ट करके मैं संतुष्ट हूँ, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाऊंगा तो बाकी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। अब यहाँ पर 1 मजबूत है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर 12 भी खुल सकती है, जो कि 21 की पलट होती है। 1 पे यहाँ पर ये 3 जोड़ियाँ बहुत ही बेहतरीन बन रही हैं। अगर 1 कटा तो कटेगा 16 पर,
और 46 पर। ठीक है जी, ये मजबूत खेल आपके सामने रख दिया है। इक्का यहाँ पर आपका बेस्ट अंक है, साथ में 6 के अंक पर भी विश्वास दिखा सकते हैं। एक दो दिन मुझे इस प्रकार से काम करने दीजिएगा, एक दो दिन ये जोड़ियाँ ये समीकरण देखकर चलिएगा। अगर ये सफल होगा तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, अगर ये असफल होगा तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि जब कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट पर रिसर्च करती है तो बहुत लागत लगती है उस पर, उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट सफल होने के बाद लोगों के बीच उतरता है और फिर कंपनी को मुनाफा देता है। ऐसे ही हम भी काम कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाएं। तो इसलिए चीज़ें पहले निकाली जाती हैं कि भैया ये ट्रिक अजमा के देखी जाए। अब ये ट्रिक बहुत दिनों से अजमाई जा रही थी, अब आपके सामने पेश की जा रही है कि भैया रिजल्ट में तब्दील हो सकती है। आपको पसंद आए तो आप इस्तेमाल कीजिए, आपको पसंद ना आए तो कृपया करके सिर्फ और सिर्फ देखिए कि ये सफल हो रही है या नहीं हो रही। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, ढेर सारा प्यार।